हेलो भाई, मैं अंकित। हीरो मोटोकॉर्प की नई ग्लैमर 125 भाई लॉन्च होते ही फ्लॉप हो गई, लेकिन हाँ इनकी एक्सट्रीम जो है ना वो भाई हिट हो गई। अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, लॉन्च हो गई, फ्लॉप हो गई, हिट हो गई, ये सब क्या है भाई, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन फाइनली 125 cc की सारी बाइक्स के सेल्स के बारे में जानेंगे, इवन पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेस भी जानेंगे और उनमें कितना टॉप स्पीड मिलता है, कितना माइलेज मिलता है, कितना कर्वेट मिलता है, कितना कलर ऑप्शन मिलता है, कितना आपको पावर मिलता है, कितना टॉर्क मिलता है, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। इसलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। आओ फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इंडियन मार्केट में ज़्यादा तो बाइक्स अवेलेबल नहीं है भाई, लेकिन हाँ आज के रेट में आपको 9 से 10 मॉडल मिल जाते हैं। तो 9वें नंबर पे आई है KTM की 125 सीरीज। यहाँ पे आपको ड्यूक RC दोनों मिल जाते हैं। दोनों कंबाइन 115 यूनिट मात्र बिकी है जुलाई में, जबकि जून में 164 यूनिट बिकी थी, मतलब 49 गाड़ियाँ कम बिकी है आपकी KTM 125 सीरीज की। अभी अगर आप ड्यूक लेना चाहते हो तो 2,03,000 या फिर 2,04,000 रुपये के लपेट में आपको मिल जाती है, लेकिन वही अगर आप RC लेना चाहते हो तो वो इतने का मिलती है भाई। पावर अगर दोनों में सिमिलर ही आता है, 14.3 bhp का 12 Nm का टॉर्क है, 40 kmph का माइलेज, 159 किलो करवेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 112 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। देखो ड्यूक भी बहुत ही महंगी है और RC तो और भी ज़्यादा महंगी है भाई, तो इसीलिए इनका कम सेल होता है। लेकिन भाई मान लो कोई बंदा इतना पैसे पे भी कर रहा है, उससे अच्छा इंडियन मार्केट में एक से एक ऑप्शन है भाई। इवन यामाहा की MT-15 है, R15 है, उन सबको नहीं ले लेगा। खैर अब KTM का ब्रांड है भाई, इसीलिए लोग वह खरीद लेते हैं। बाकी 8वें नंबर पे बजाज की CT125X है। अभी ये गाड़ी भाई इतना गंदा रिस्पॉन्स दे रही है ना बजाज को, पूछो मत। लेकिन इस महीने इसने कमाल कर दिया, इसकी जुलाई में 553 यूनिट बिकी है, GMSE बोल रहा हूँ 553 यूनिट, जबकि जून में 0 यूनिट सेल हुआ था। मतलब आप कह सकते हो 553 यूनिट का इम्प्रूवमेंट करा है भाई। इस गाड़ी को लोग बाग ताना मारा करते थे कि फ्लॉप हो गई, ये हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई, बजाज वाले अब इसको बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे बोला करते थे। लेकिन भाई हर जगह ये अवेलेबल नहीं हो रही थी, इसीलिए बेचारी बिक नहीं पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्टॉक हर जगह जमा हो रहा है भाई, तो इसीलिए इसका सेल्स हुआ है जुलाई में। ये 87,534 रुपए से मिलना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे इंडियन मार्केट के सबसे 125 cc की अफोर्डेबल बाइक है। इसमें अपने को जो इंजन मिलता है वो 10.7 bhp का पावर और 11 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, मतलब पल्सर वाला ही इंजन है भाई। बाकी हाँ 60 तक माइलेज, 130 किलो कर वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी हाँ 95 से 100 के बीच में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है। इसके अलावा 7वें नंबर पे है बजाज की फ्रीडम 125 CNG बाइक। इसकी भाई 1933 यूनिट बिकी है, 1933 यूनिट जुलाई में, जबकि जून में 0 यूनिट बिकी थी क्योंकि लॉन्च नहीं हुआ था भाई। तो कह सकते हो इम्प्रूवमेंट ही हुआ है, इम्प्रूवमेंट नहीं बोलेंगे, लॉन्च हुई तो भाई इम्प्रूवमेंट क्यों बोलेंगे। ये 1,10,486 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, आप सभी अच्छे जानते हैं भाई। देखो इसको वही लोग खरीदेंगे जिनके यहाँ CNG अवेलेबल हो, हमारे यहाँ तो दूर दूर तक CNG अवेलेबल नहीं है भाई, तो इसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे यहाँ शोरूम में आएगा भी नहीं। आपके यहाँ फ्रीडम आया है कि नहीं आया मुझे कमेंट में बताना। इसमें अपने को 9.3 bhp का पावर, 9.7 Nm का टॉर्क मिलता है, 60 से 65 के बीच में आपको माइलेज मिल जाता है पेट्रोल में, लेकिन CNG चलाओगे तो थोड़ा भाई सस्ता पड़ेगा आपको। बाकी हाँ 159 किलो इसका करवेट है, 7 कलर ऑप्शन निकाला इन्होंने, बाकी आपको 95 से 100 के बीच में टॉप स्पीड मिल जाता है। ये गाड़ी उतनी भगाने में पंची नहीं है भाई, लेकिन ठीक है इंडियन मार्केट में ऑप्शन हो गया भाई, अच्छी बात है। बात करें अगली गाड़ी की तो 6ठे नंबर पे है ग्लैमर, जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र करा था। अभी ये भाई मात्र जुलाई में 9,479 यूनिट बिके, जी मैं सी बोल रहा हूँ 9,500 यूनिट भी नहीं बिका है, 9,479 यूनिट ओनली, जबकि जून में 24,159 यूनिट बिकी थी, मतलब भाई 14,680 गाड़ियों का गिरावट है, 14,180 गाड़ियाँ कुछ होता है भाई। अगर आप नॉर्मल वाला ग्लैमर लेते हो तो 82,000-83,000 रुपये तक आपको एक शोरूम मिल जाती है, ऑन रोड आपको 98,000 तक मिलता है। पावर उसमें मिलता है 10.39 bhp का टॉर्क मिलता है, 10.4 Nm का, 55 kmph का माइलेज, 121 किलो कर वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 95+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। देखो इन्होंने जो हेडलाइट वाला ग्लैमर निकाला है ना, उसका यार स्टॉक अभी हर जगह आया ही नहीं है भाई। आप YouTube पे सर्च करो, एक भी वीडियो आपको रिव्यू वाला मिलेगा नहीं। पता नहीं हीरो वाले क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उसका स्टॉक है, लगता है पुराना वाला मॉडल कुछ ज़्यादा ही स्टॉक इन्होंने कर लिया, इसीलिए उसको निकालने पे पड़े हैं, तब जाके ये लोग नया वाला मॉडल निकालेंगे। हालांकि लॉन्च तो हो गई है वो गाड़ी। खैर अब आते हैं टॉप 5 में, 5वें नंबर पे सुपर स्प्लेंडर। देखो सुपर स्प्लेंडर ज़्यादा बिकी है भाई ग्लैमर से, उल्टा ही हो गया। जुलाई में 10,534 यूनिट बिकी है, जबकि जून में बिकी थी 21,396 यूनिट, मतलब भाई 10,862 गाड़ियाँ कम बिकी आपकी सुपर स्प्लेंडर
नॉर्मल या फिर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की। अगर आप नॉर्मल सुपर स्प्लेंडर लेते हो तो 96 या 90 रुपये तक आपको मिल जाती है। 10.22 BHP का पावर, 10.6 Nm का टॉर्क, 55 kmph का माइलेज, 122 kg का वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 90+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी चौथे नंबर पे है TVS की रेडर। जी मैं सही बोल रहा हूँ, चौथे नंबर पे इस महीने रेडर आई है, एक्सट्रीमली आई है। इसकी भाई 24,547 यूनिट बिकी है जुलाई में, जून में बिकी थी 29,850 यूनिट, मतलब 5,303 गाड़ियां कम बिकी आपकी रेडर की, 5,303 गाड़ियां। ये आपको 1,17,18,000 रुपये के लपेट में मिल जाती है भाई। पावर मिलता है 11.2 BHP का, 11.2 Nm का टॉर्क है, 57 से 65 के बीच में माइलेज मिल जाता है, 123 kg इसका करवेट है, इतने सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 125 तक इसका टॉप स्पीड अपने को मिल जाता है। कंपनी तो 99 तक क्लेम करती है, 99 तक, लेकिन लोग बाग भाई 125-120 तक आराम से भगा लेते हैं। देखो रेडर नो डाउट अच्छी गाड़ी है भाई, लेकिन समय के साथ TVS वालों को अपडेट करना चाहिए। जब हमें सिंगल चैनल ABS अदर गाड़ी में मिल रहा है तो इसमें भी मिलना चाहिए भाई। खैर लॉन्च होने वाला है सुनने में आया है भाई। बात करें अगली गाड़ी की तो तीसरे नंबर पे एक्सट्रीम 125R, हम जैसे लोगों की सबसे पहली पसंद भाई, 125 cc की। इसकी 25,840 यूनिट बिकी है जुलाई में, जून में बिकी 21,054 यूनिट, मतलब 47,86 गाड़ी है ज़्यादा बिकी एक्सट्रीम 125R की। ये आपको 1,12,011 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पावर मिलता है 11.4 BHP का, टॉर्क मिलता है 10.5 Nm का, 60 kmph का माइलेज, 136 kg का वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 95+ आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है भाई। एक्सट्रीम यार नो डाउट किंग बनने वाली है भाई, देखना ये पक्का SP125 को भी पछाड़ देगी, मेरे को ऐसा लगता है। खैर बात करें अगली गाड़ी की तो सेकंड नंबर पे है भाई पल्सर सीरीज। यहाँ पे मैं आपको पल्सर 125 और NS125 का ही सेल्स बताऊंगा। दोनों कंबाइन 55,711 यूनिट बिके जुलाई में, जून में बिकी थी 63,586 यूनिट, मतलब 7,875 गाड़ियां कम बिकी है पल्सर 125 सीरीज की। पल्सर का भी वही हाल है भाई, लेकिन इनकी CT125X ज्यादा बिकी और पल्सर का सेल्स में गिरावट हो गया। 95,642 रुपये तक आपको मिल जाती है 125, हर जगह नहीं मिलती भाई, 98,000 तक हर जगह मिल जाती है। 11.64 BHP का पावर, 10.8 Nm का टॉर्क, 50 kmph का माइलेज, 140 kg का वेट, 8 कलर ऑप्शन, बाकी 100+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है पल्सर 125 में भाई। ये भी गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, इतने कम प्राइसिंग में आपको इतना कुछ मिल जा रहा है, क्लिप ऑन हैंडल बार, इंजन किल स्विच, इवन स्विचेज पे लाइट वगैरह भी मिल जाता है, तो काफी सही भाई बजाज वालों ने प्रोडक्ट निकाला 125 सेगमेंट में, और बिक भी रही है भाई, 55-56 हज़ार बिक रही है, खराब थोड़ी ना है। बात करें अगली गाड़ी की तो नंबर वन पे आई है भाई हमेशा की तरह साइन और SP। यहाँ पे साइन 100 का भाई एड नहीं है, ओनली SP125 और साइन 125 का एड है। दोनों कंबाइन 140,590 यूनिट बिकी है, बाप रे बाप, जबकि जून में 139,587 यूनिट बिकी थी, मतलब 1,003 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई। हर जगह राज SP का ही है यार। हालांकि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं भाई, SP से ज्यादा साइन बिकती है। खैर अगर आप SP लेना चाहते हो तो 1,01,000 रुपये तक मिल जाती है, कहीं कहीं आपको 1,05,000 का भी मिलता है। साइन लेते हो तो 92,000-93,000 तक मिल जाती है। पावर मिलता है 10.22 BHP का SP में, टॉर्क मिलता है 10.9 Nm का, 65 kmph का माइलेज, 116 kg का वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 100+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। तो यही कहानी है भाई 125 cc की सारी गाड़ियों का। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। बाकी यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, जल्दी हम आपके लिए 150 cc वाली गाड़ियों का भी सेल्स लाएंगे। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से चेंज गो।